मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील गंज बासुडा में रिलायंस जियो कंपनी द्वारा पिछले वर्ष अगस्त माह में जियो फोन मार्केट में उतारा था। इसकी कीमत 1500 रुपये रखी गई थी एवं कंपनी द्वारा 3 वर्ष बाद ये पैसा उपभोक्ताओं को वापस करने का वादा किया गया था। उपभोक्ताओं ने बढ़ चढ़कर जियो फोन खरीदा क्योंकि जियो फोन को मल्टीनेशनल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लॉन्च किया गया था, परंतु जियो फोन के उपभोक्ताओं के लिए ये मोबाइल सरदर्दी ही साबित हुआ है क्योंकि जियो फोन के उपभोक्ताओं के अनुसार मोबाइल लेने के बाद से ही मोबाइल में तरह तरह की तकनीकी खराबी आती रहती है जिसके चलते उपभोक्ता मोबाइल फ़ोन लेकर सर्विस सेंटर पहुंच रहे हैं। उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि जियो फोन की समस्याओं को लेकर जब भी सर्विस सेंटर पहुंचते हैं वहां पर उपभोक्ताओं की समस्याओं को का निदान नहीं किया जाता एवं जियो सर्विस सेंटर के अधिकारी उपभोक्ताओं से बात भी नहीं करते एवं उपभोक्ताओं से 3 साल की वारंटी के स्थान पर 1 साल की वारंटी की बात की जाती है। देखिए कैमरामैन अमित के साथ हमारे संवाददाता रवि चौरसिया की खबर SS के लिए गंज बासुदा से एक रिपोर्ट।